नमस्कार, फरीदाबाद टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। फरीदाबाद में रात में आई तेज बारिश और आंधी की वजह से मंडी में आए गेहूं की बोरियां भीग गईं। वहीं जिला प्रशासन मार्केट कमेटी की तरफ से बेहद इंतजामी भी यहां देखी गई। अनाज मंडी में खुले में रखे गए गेहूं पर लगातार बारिश पड़ती रही और मार्केट कमेटी की तरफ से अनाज को बेचने के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं की, जिसकी वजह से मंडी में आया पूरा अनाज बारिश में भीग गया। इससे अनाज मंडी में आढ़तियों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं, क्योंकि जो अनाज किसानों से आढ़तियों ने खरीद लिया है, अब उन्हें दोबारा से नई बोरियों में भरना पड़ेगा, जिसका नुकसान उन्हीं को उठाना पड़ेगा। हालांकि आढ़तियों का कहना है कि वह किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे। वहीं मंडी के चेयरमैन हुकुम सिंह भाटी ने इस मामले को प्राकृतिक आपदा करके टाल दिया। साथ ही समाजसेवी मंदिर मान ने किस तरह के बद इंतजामों पर सरकारों को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की कोई चिंता नहीं है। ये तो बारिश आई है, सारा माल खराब हो गए हैं, अब भरवा रहे हैं और अंदर लगवा रहे हैं। क्या कितना नुकसान हुआ होगा? लगभग जो बाहर कटे हैं सारे लगभग भीग चुके हैं, कितना नुकसान हो गया होगा? ये तो अंदाजा नहीं लगा सकते, काफ़ी नुकसान हो गया है। इसको इस बारिश में अनाज खराब नहीं होता है। हाँ जी, बाकी मॉइस्चर का हो सकता है, उसके में 1% रेशो बढ़ जाए। बाकी वो धूप इतनी ज़्यादा पड़ रही है, सुबह शाम में वो ठीक हो जाएगा, मॉइस्चर कंट्रोल हो जाएगा। उसके लिए हम अपनी लेबर लगा के उसका चट्टा लगवा देते हैं, उसमें हवा लगती है और ठीक हो जाता है वो। तो नमी आती है, ग्राहक कहीं ना कहीं आनाकानी करता कि नहीं, ग्राहक को तो नहीं। देखिए, ऐसी बात नहीं है, जो जो गेहूं की है फसल, ये इतना मॉइस्चर 0.5% एब्जॉर्ब कर लेती है, उससे उसकी क्वालिटी पर कोई असर पड़ता नहीं है। ये पोजीशन है। और बाकी देखो, लेबर का नुकसान पड़ता है मेन, तो आढ़ती को कट्टे खराब हो जाते हैं, वो बदलने पड़ते हैं। तो ये तो ना हमारे, समझो, हमें बिज़नेस का लॉस है एक तरह से। हमें अपने किसान को सेटिस्फाइड करने के लिए ये लॉस उठाना पड़ेगा। अगर हम उस किसान का जो माल लेके आ गया उसका नहीं तोलते तो वो परेशान हो जाएगा, फिर हमसे नहीं जुड़ पाएगा। आज जो ये गेहूँ भीगा है, जो आप जो गेहूँ भीगने की बात कह रहे हैं, तो इसमें अगर प्रशासन ने सुविधाएँ इकट्ठी करी होती, ऐसे बनाए हुए होते बड़े बड़े शेड वगैरह कि जिसमें जिमीदार का गेहूँ ना भीगे, इससे जिमीदारों को भी नुकसान हुआ है, इससे आढ़तियों को भी नुकसान हुआ है, क्योंकि उनका भी काफ़ी जो उन्होंने ख़रीदारी की हुई है वो ख़राब होने के कारण आढ़तियों को भी नुकसान हुआ है। और किसान तो हमेशा से ही इस सीज़न में नुकसान में रहते हुए आए हैं, और किसान ही वो अन्नदाता हैं जो पूरे देश को अन्न खिलाते हैं। नोटबंदी में भी किसान परेशान रहे थे, सब्जियों के सब चीज़ के भाव बहुत घट गए थे। तो मैं यही कहूँगा, सरकार को किसानों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी चाहिए। जो सरकार मदद देती है, हालांकि मुआवजे के रूप में देती है, कई बार ओलों से भी हमारी फसलें ख़राब हुई हैं। तो सरकार को एक तो हमारे लिए सुविधाएं जुटानी चाहिए किसानों के लिए, कि भाई इनके लिए शेड वगैरह बनवाए जाएं, और उनका जो माल ओलों से या कैसे ही भी नुकसान होता है उसके लिए सरकार उन्हें ज़्यादा मुआवजा दे, क्योंकि किसान आज बहुत तंगी में है। किसान खेती से जितना कमा पाता है, वो आप सभी को पता है कि आम किसान आज जैसे तैसे अपना पेट भर रहा है, वहीं उसकी फसल नष्ट हो जाती है तो आत्महत्या करने पे भी किसान मजबूर हो जाता है। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि किसानों के लिए सोचें और ऐसे उनको जो नुकसान हुआ उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दें। मैंने अभी बताया था, किसान को ही नहीं, इसमें आढ़तियों को भी मार पड़ती है। बहुतों ने स्टॉक करके या सबका लाल ये होता है कि भाई दो पैसे तू भी कमाए, सीजन है, तो सबका ही नुकसान हुआ। आढ़तियों ने किसानों की ज़रूरत होती है, आढ़तियाँ खुद किसान से ख़रीद लेते हैं, फिर गवर्नमेंट को माल देते हैं, उनका भी माल ख़राब हुआ, तो ऐसे करके नुकसान तो सभी को हुआ है। नहीं देखिए, ऐसे है कि किसान ठीक है, मौसम विभाग ने तो कहा, लेकिन किसान की एक भारी मजबूरी ये होती है कि उसको तुरंत फसल अब पक चुकी है, उसको फसल की थ्रेसिंग करानी है, कटाई करानी है, निकलवाना है, और निकलने के तुरंत बाद किसान मंडी लेकर आना किसान की बहुत बड़ी मजबूरी है। और उसके साथ साथ हमने वहाँ व्यवस्थाएं जो है तिरपालों की व्यवस्था की है, और कल एक हमने सर्कुलर सभी आढ़तियों को दिया है कि भाई वो अपनी उनके पास तिरपालों की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, और हमने कोशिश की कि जितना माल आया उसको ढक के रखा है। जो देखिए, जो मतलब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी ये है कि क्योंकि ये अंदेशा था नहीं कि बारिश अचानक आ जाए, क्योंकि शाम को मौसम बिल्कुल ठीक था और रात में एकदम अचानक बूंदाबांदी होगी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा नुकसान तो अब सीजन को तो रहता ही है।
नहीं, मंडी विभाग की इसमें बिल्कुल कमी नहीं है, इसमें किसान की भी कमी नहीं है। देखिए, प्रकृति के साथ कोई भी लड़ाई नहीं लड़ सकता। दूसरी बात, इसमें जैसे मान लिया कोई गेहूं थोड़ा बहुत उसमें पानी के भीग गया है या वो है, तो वो एक दिन की धूप, जैसे आज बहुत अच्छा मौसम है, थोड़ी सी धूप लगेगी तो उसको विभाग खरीद लेगा। खरीददारी में कोई दिक्कत नहीं है। इस बार गेहूँ की फसल बहुत अच्छी है, दाना बहुत मोटा है, किसी तरह की परेशानी नहीं है, ना विभाग को है ना किसान को। रेट कम हो जाते हैं तो ऐसे में क्या? नहीं, इसमें रेट कम की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। रेट बिल्कुल ही वही रेट रहेगा। बस ये है, क्योंकि जब वो सील जाता है तो वो अल्टीमेटली जो नुकसान होता है वो आढ़ती का या किसान का नुकसान हो जाता है, इसलिए हमारी कोशिश यह है कि दोनों का किसी का नुकसान ना हो।